गुड मॉर्निंग, वेलकम टू श्री साई महाविद्यालय। आज हम के लेक्चर में देखेंगे हार्टमानिया के नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, इसके पहले हम हार्टमानिया के कई सारे टॉपिक को पढ़ चुके हैं, जैसे एलिमेंट्री कैना, स्ट्रक्चर, इंटरनल और मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन, हैबिटेट, हैबिटेट के बारे में देख चुके हैं। आज हम देखेंगे नर्वस सिस्टम ऑफ हार्टमानिया। तो हार्टमानिया में नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, मेंटल के नीचे ही जस्ट क्या पाया जाता है, नर्व गैंग्लिया। ठीक है, उसी के जस्ट नीचे ही क्या पाया जाता है, नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चर में दिखाई देती है। ठीक है ना, तो जो हार्टमानिया होता है उनके टेडपोल लार्वा में, ठीक है, उनके टेडपोल लार्वा में, टेडपोल टेडपोल लार्वा में क्या होता है, सुविकसित होता है, मतलब थोड़ा बहुत विकसित होता अवस्था में होता है। जैसे ही ये हार्टमानिया नामक जीव क्या होता है, डेवलपिंग के स्थान पर होता है, मतलब वयस्क में पहुंच जाता है, वयस्क स्टेज में पहुंचता है, तो इसमें क्या होता है, ये नर्वस सिस्टम क्या होती है, लेस हो जाती है, मतलब नहीं पाया जाता, धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो इसके जीवन यापन करने की जो स्टेज है, जो प्रक्रिया है, तो इसमें क्या होता है, एक नर्वस सिस्टम का मुख्य कार्य कोई नहीं होता है, शरीर को चलाने के लिए नर्वस सिस्टम का कोई विशेष कार्य नहीं होता है। ठीक है ना, तो इनमें अगर हम देखें तो नर्वस सिस्टम की जो पोटेंशिएशन है वो कहाँ पे होता है, मेंटल के जस्ट नीचे क्या होता है, नर्व गैंग्लिया, ठीक है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, तंत्रिका गुच्छिका, उसी के जस्ट साइड पे ही नीचे ही क्या होती है, ये क्या है, नर्वस सिस्टम की संरचना में दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको अलग करके दिखाया है। ठीक है, ये आप लोगों को दिखाई देता होगा स्पष्ट रूप से कैसे इनकी संरचना होती है, जो इनके आगे की साइड में है, ये इंटीरियर साइड है। तो कितने फाइबर निकले होते हैं, तीन फाइबर्स निकले हुए हैं। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर में दिखाई देता होगा। ठीक है, एक ये हो गया, सेकेंड थर्ड हो गया। ठीक है, और उसके जस्ट पीछे साइड, मतलब बोले तो पोस्टेरियर साइड, ठीक है, पोस्टेरियर साइड जो क्या होते हैं, दो फाइबर्स निकले होते हैं। ठीक है ना, दो फाइबर निकले होते हैं, ये कहाँ से निकल रहे हैं, नर्व गैंग्लिया। ठीक है, नर्व गैंग्लिया के बाद से दो अलग अलग भागों में डिवाइड हो गए हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इंटेरियर वाला भाग हो गया, और ये क्या है, पोस्टेरियर वाला भाग, पिछला वाला भाग। ठीक है ना, तो जो इनमें नर्वस सिस्टम है, ठीक है, इसी इनके द्वारा उनकी कंट्रोलिंग होता है, किसी भी जीव का कंट्रोलिंग का कार्य कौन करता है, नर्वस सिस्टम करता है। ठीक है, जो हार्टमानिया नामक जीव है इनमें नर्वस सिस्टम का कोई विशेष रोल नहीं होता है, तथा इनके जीवन यापन करने के लिए नर्वस सिस्टम का कोई विशेष महत्व नहीं होता है, क्योंकि महत्व इसलिए नहीं होता है कि इनमें पाया जाने वाला जो ये नर्वस सिस्टम है, तो वयस्क स्टेज में जैसे जैसे मेडल स्टेज पे पहुंचता है जीव, तो क्या होता है, धीरे धीरे डैमेज हो जाता है या नर्वस सिस्टम खत्म हो जाता है। विशेष रूप से इनमें टेडपोल लार्वा में ही हमें थोड़ा बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नर्वस सिस्टम का इतना ही दिया गया है। आगे के लिए हम नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।